नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार के गया में हुए धर्मांतरण के पीछे बड़ा खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक गया में पिछले 2 साल में करीब आधा दर्जन गाँवों में धर्मांतरण हुआ है। सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों पर धर्मांतरण कराने के आरोप हो रहे हैं वो खुद भी कभी हिंदू थे। दरअसल कुछ दिनों पहले ही गया शहर के नगर प्रखंड स्थित नैली पंचायत के बेलवाडीह गांव के करीब 50 परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था और सभी महादलित समुदाय से आते हैं। अगली खबर, पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद एसपी किरण कुमार यादव ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में पूरे लौरिया थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। लौरिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार रजक को बेतिया पुलिस केंद्र भेजा गया, जबकि प्रभारी लौरिया थानाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद को संदिग्ध आचरण, कर्तव्यहीनता, संलिप्तता के आरोप में निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस केंद्र से एसआई विनोद कुमार लौरिया थानाध्यक्ष के पद पर प्रस्थापित किया गया है और अविलंब योगदान देने का आदेश दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की कमान मिल सकती है। रविवार की उप पदाधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और यह बात तब और पक्की हो गई जब सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की है और कहा कि कुशवाहा के जेडीयू में आने से पार्टी मजबूत हुई। नीतीश कुमार ने यह भी संकेत दिए कि कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र में आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार जेडीयू के अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगली खबर, रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में वज्रपात से एक किशोरी सहित 3 की मौत हो गई। हादसे में 5 महिलाएं झुलस गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मदपुर पंचायत के सिकंदरपुर गांव में खेत में रोपनी करते समय वज्रपात के चपेट में आने से बालकेश्वर चेरो के पुत्री संगीता कुमारी की मौत हो गई है और इसके साथ ही 3 और मौतें हुई है। अगली खबर, सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के बालबंगरा गांव में दहेज के लिए नवविवाहित की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज भी दिया गया है। मृतक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के तेवधा गांव निवासी रितु कुमारी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक के भाई सह महाराजगंज थाना क्षेत्र के तेवथा गांव निवासी कमलेश यादव ने बताया कि मेरी बहन रितु कुमारी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ दिसंबर 2020 में बालबंगरा गांव निवासी बुलेट यादव से हुई थी। अगली खबर, IGIMS में अब ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी। यहाँ 1 मिनट में 233 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगा और इससे एक दिन में 50D टाइप के सिलेंडर भरे जा सकेंगे। रविवार को पूर्व मंत्री और एसपी रविशंकर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। कोरोना की दूसरी लहर में IGIMS में ही मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा था, प्रशासन व्यवस्था करने में फेल हो गया था। साथ ही दोस्तों, इस साल पूर्व चंपारण के अलीराज स्थित बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावनी मेला नहीं लगेगा। कोरोना महामारी के फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सावनी मेला के आयोजन महादेव मंदिर में जलाभिषेक पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस साल जिले के लोगों पर कांवड़ यात्रा करने पर रोक रहेगी। साथ ही नेपाल, बंगाल व बिहार के विभिन्न जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, गोपालगंज, छपरा, सिवान, पटना, मुजफ्फरपुर आदि जिलों के लोगों की कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही रोहतास में एक डॉक्टर ने एक युवक के ब्रेन से सैकड़ों जिंदा कीड़ा निकालकर उसकी ज़िंदगी बचा दी। 45 साल के सुशील कुमार के दिमाग से 1 इंच के 100 कीड़े निकले हैं। उन्हें सिर में दर्द की समस्या थी जिसके बाद वह सिर दर्द की दवा लेते थे। 4 दिन पहले उनके सिर से खून निकलने लगा जिसके बाद डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों की टीम ने उनके दिमाग का सफल ऑपरेशन किया। MCH और BHU ट्रामा सेंटर के पूर्व न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित कुमार ने सासाराम में ये ऑपरेशन किया है। साथ ही दोस्तों, कोरोना से मौत के बाद परिजनों को मिलने वाली 4 लाख रुपए की अनुदान राशि भी अब फंस गई। अनुदान की राशि बिहार की धरती पर मरने वाले बिहारियों को ही मिलेगी। बिहारी बिहार से बाहर मरता है या फिर कोई बिहारी बाहरी बिहारी मरता है तो उसके परिवार को कोई मदद नहीं मिल पाएगी, ऐसा एक सरकारी पत्र में हुआ है। अगली खबर, RJD का महंगाई के खिलाफ 2 दिवसीय राज्य व्यापी आंदोलन का आज पहला दिन है। पार्टी के नेता प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में RJD ने प्रदर्शन किया है। पटना के संपर्क पर युवा राजद के प्रदेश सचिव जेम्स यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, पूरा देश महंगाई से परेशान है। विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसके खिलाफ आंदोलन कर रही और कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली। RJD 2 दिनों का आंदोलन 18 और 19 जुलाई को पूरे बिहार में कर रही है। इस बीच RJD सुप्रीमो
लालू प्रसाद यादव ने महंगाई कम करने का नुस्खा दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो महंगाई कम करने का नुस्खा दे रहे हैं, एनडीए हटाओ और महंगाई घटाओ। साथ दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में जो कहर बरपा रखा है उसमें अब पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लड़ाके हाल ही में अफगानिस्तान के वॉर जोन पहुंचे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इन लड़ाकों को आदेश दिया है कि वो अफगानिस्तान में भारत की मदद से तैयार हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। 2 दशकों से भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से भी ज़्यादा का निवेश किया और इस निवेश से यहाँ कई निर्माण कार्य किए गए। इनमें 2015 में बनकर तैयार हुई अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग और डेला राम जरांज शर्मा डैम के बीच 218 किलोमीटर लंबी रोड भी शामिल है। दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेने से कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक शाम मिलती रहे।